अफगानिस्तान जैसे कंट्री में एयरपोर्ट देखने लायक होगा कि यहाँ पे कितनी टाइट सिक्योरिटी है। ऐसे में लोग सिर्फ रोड पे जा रहे हैं, चार पांच पुलिस भाई ने चेक कर लिया और रोक रोक के पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, टिकट पूछ रहे हैं, सब कुछ पहले ही पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा तीसरा दिन था अफगानिस्तान में, लेकिन आज मैं निकल रहा हूँ मजारी शरीफ से। काबुल की फ़्लाइट है आसाम की, बाय एयर सेफ नहीं है इसलिए हम लोग बाय रोड सेफ नहीं है इसलिए हम लोग बाय एयर जा रहे हैं। रास्ते में तालिबान चेक पॉइंट पड़ता है इसलिए हम लोग रोड को स्किप कर रहे हैं और बाय फ्लाइट जा रहे हैं। ऐसे हमारा ये रूम था, ये मेरा बेड था और ये बेड भाई साहब का बेड था। इसके लिए हम लोग पे कर रहे थे अराउंड, अब कुछ निकल गया रूम से, इसके लिए हम लोग पे कर रहे थे अराउंड 3500 अफगानी करेंसी 2 दिनों के लिए, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी मैं जाके सारी बात टैक्सी बताता हूँ और फिलहाल मैं चलता हूँ। तो भाई मैं हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ जो रह रहे थे उसका नाम था करवान गेस्ट हाउस। और ये भाई साहब बाय बाय रस्मितानिया, क्योंकि बाय बाय करने नहीं आती। ये हमारी थी होटल, 10 बिल्डिंग थी जो ये हमारी होटल थी, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है मजार शरीफ में, लोग कहते हैं चौथा सबसे बड़ा बिल्डिंग है मजार शरीफ का। ये था करवान गेस्ट हाउस, अगर आप कभी आ रहे हो रह लो, खुदा हाफिज ब्रत। हमारे होटल के पास एक गार्ड भी थे। You get to get the shoes. तो सारा सामान जल्दी से लेके जाना है एयरपोर्ट, और फ्लाइट है हमारी 1.5 घंटे में फ्लाइट है, तो लेट हूँ भाई, 1 घंटे काफ़ी होते हैं आई गेस। अब पता नहीं अफगानिस्तान का एयरपोर्ट है, आई थिंक काफ़ी चेक वगैरह काफ़ी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना बनता है। क्योंकि जब मैं इराक में था तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था चेक इन वगैरह करने में। तो चलते हैं अब एयरपोर्ट की तरफ और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि अफगानिस्तान की एक लोकल एयरलाइन काम एयरलाइन कैसी है और इसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ़्लाइट जो मैंने बुक की थी मजार शरीफ से लेके काबुल तक, वो मैंने फ़्लाइट बुक की थी अराउंड $70 में, तो कितना हो गया $70 अराउंड 5,500 रुपये के आसपास की फ़्लाइट थी, इसी के बीच थी, आप एग्जैक्ट डिपेंड करता है। ये यहाँ का देरा टावर और बुर्ज खलीफा अफगानिस्तान का बुर्ज खलीफा यही है, बुर्ज कजलफा नहीं, अच्छा कमाल नबी ज़्यादा कहते हैं। हालांकि यहाँ पर 5G तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4.75G है, 4.75G कौन सी अफगान वायरलेस। हम लोगों ने MTN लिया था यहाँ पे सिर्फ 3G MTN का, लेकिन आपको 4G 5G भी मिल सकता है अगर आप लोग 4.75G अफगान वायरलेस से। तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ अब। बची दिल बे दिली हो बंद दिल मा बची दिल बे दिली हो बंद दिल मा कसम की यारी बो वफा तुयो मो कसम की यारी बो वफा तुयो मो नफस जो आशिक व शहीदो शहीदो तुयो मो अच्छा अच्छा अमेरिकन लोग कनाडा लोग इंडियन सबका घर इधर है, जॉब करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम शहर में होगा या जंग होगा जल्दी एरोप्लेन जाना अपने देश जाता है। तो भाई ये एरोप्लेन है, सॉरी एरोप्लेन बोल रहा हूँ, ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के पास अगर वो ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाली छोटी सी चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही होगी, पता नहीं इस कैमरे से दिखाई दे नहीं रहा होगा या दे रहा होगा, अगर जो छोटी सी चीज़ है वो छोटी वाली चीज़ है, ये बेसिकली ड्रोन्स है, कैमरेज लगे हुए हैं थोड़े सिक्योरिटी वगैरह को देखने के लिए, बहुत सारे कैमरेज लगा रखे हैं उसमें। तो और यहाँ पे जो सारा एयरबेस है घर है, इधर हो गया मिलिट्री का, लाइक US मिलिट्री का हो गया, तो फिर इंडियन मिलिट्री तो आई डोंट से यहाँ पर है, अफगान मिलिट्री का हो गया, तो सारे का यहाँ पे एयरबेस वगैरह हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, आई थिंक एयरपोर्ट वहीं जस्ट पास में है, तो चलते हैं एयरपोर्ट पर करते हैं काम एयर से। But I'm curious, considering the security situation of Afghanistan, there's some Chinooks flying over there too, the helicopters with two rotors. But
considering the security situation of Afghanistan. तो गाइस एयरपोर्ट आ गए हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर. ऑफकोर्स अगर भाई यहाँ पर रोडों पे इतनी सिक्योरिटी है तो एयरपोर्ट पे तो सिक्योरिटी होनी है भाई. एक बड़ा कुत्ता है वहाँ पे, वो आई थिंक लाके सूंघेगा. कुत्ता सूंघता है यहाँ पे क्या? नहीं, सिर्फ मोटर गाड़ी को सूंघता है. अच्छा, वो क्या वो पिस्टल वगैरह खोल लेता है कुत्ता? इतना शानदार कुत्ता है जी. जी भाई, पिस्टल कैसे खोल लेते हो तुम यार? जरा मुझे ही बताओ. तो भाई बेसिकली ये बता रहा था कि यहाँ पे कुत्ता वगैरह काफ़ी है ज़्यादा, और सिक्योरिटी बहुत सारे एयरपोर्ट्स में अगर आप जाओ, किसी भी देश चले जाओ, जो एयरपोर्ट होता है सबसे सिक्योर पार्ट होता है. और अफगानिस्तान जैसे कंट्री में एयरपोर्ट देखने लायक होगा कि कितनी यहाँ पे कितनी टाइट सिक्योरिटी है. ऐसे में लोग सिर्फ रोड पे जा रहे हैं, चार पांच पुलिस भाई ने चेक कर लिया और रोक रोक के पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, टिकट पूछ रहे हैं, सब कुछ पहले ही पूछ रहे हैं. तो गए ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ. लेकिन थैंक यू भाई फराद भाई, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच भाई. वापस से कभी आता हूँ अफगानिस्तान. थैंक यू वेरी मच भाई. ठीक है, ख्याल रखें आप अपना. वापस से अगर कभी उज़्बेकिस्तान या अफगानिस्तान आता हूँ तो आप वापस से मिलता हूँ. हर वक्त आ जाए, हम आपकी खिदमत में भाई. थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. कीप माई पासपोर्ट प्लीज़. तो भाई मैंने बैग पैक कर लिया, अब मुझे बैग अपने हाथों में लेके जा रहा हूँ. मैं पीछे नहीं टांग सकता. कैसा बैग था? मैं इसे बैग पैक कर लेता हूँ. चलो, ये पूरा एरिया है. अरे भाई 8-10 सिक्योरिटी पॉइंट था भाई, 8-10 बार चेक करना पड़ा. मजार शरीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये बैग हाथ पे ढोना पड़ रहा है यार, क्योंकि मुझे वापस से बैग खोलना पड़ेगा, बैग पैक करना पड़ेगा. मैंने ऑलरेडी चेक इन के लिए बैग बना दिया था. चलो चलते हैं आगे. कुछ पुलिस और है, एक सिक्योरिटी पॉइंट लगता है और बचा हुआ है. हर जगह सिक्योरिटी पॉइंट है भाई, हर जगह आपको चेक करते हैं. हालांकि हम लोग टूरिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे मेहमान हो, हम आपका बैग चेक नहीं करेंगे. तो भाई अगर सिक्योरिटी के नज़रिए से बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एयरपोर्ट मुझे अभी तक मिला है. पहले बार तो आई थिंक 7-8-9 आई थिंक चेक पॉइंट थे. पुलिस वालों ने चेक किया, गाड़ी चेक किया, वहाँ पे कपड़े वगैरह चेक किए. उसके बाद यहाँ पे वापस एक सिक्योरिटी आया, एक्सरे के थ्रू हमारा बैग वगैरह गया. उसके बाद बाहर में कुछ कुत्ते भाई साहब आएंगे, बैग को सूंघेंगे. उसके बाद प्रत्येक बैग के चीज़ों को निकाल के दिखाना पड़ेगा कि बैग में क्या है, नहीं है, एवरीथिंग दे विल चेक. तो अगर आप काबुल या मजार शरीफ के एयरपोर्ट आ रहे हो तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले चेक इन टाइम के क्लोज होने से पहले आ जाओ, क्योंकि लग जाएगा टाइम 1-1.5 घंटे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, टाइम लग जाता है. और मैं समझ सकता हूँ कि इतनी सिक्योरिटी वगैरह क्यों है. नहीं ओके okay. पुलिस भाई साहब उधर से देख रहे थे, मतलब क्या कर रहे हैं. मैंने कहा वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, उन्होंने कहा बनाऊँ, मैं फिर वापस से बना रहा हूँ. तो यार, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई आ जाओ पहले, आप कम से कम 1.5 घंटे पहले आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी सिक्योरिटी है, हर जगह से आपको लोग देखेंगे. और सब कुछ चेक किया, जैकेट, बैग, कपड़ा वगैरह, जूता वगैरह खुलवाया. जूता खुलवाना तो नॉर्मल है, लेकिन इस बार सबसे जो सेकेंड हाईएस्ट मैंने सिक्योरिटी देखी थी यहाँ मजार शरीफ के, पहले वो थी इराक में, इरबिल में देखी थी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ. आई थिंक काबुल में इससे टाइट, ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रहेगी, पता नहीं, हो सकता है. देखो भाई, कुत्ता बैग सूंघ रहा है. मेरा बैग में कुछ मिला क्या? मिला तो बता देना भाई कुछ, मैं भी खोज रहा हूँ, बहुत दिनों से मिला नहीं है. मेरा लैपटॉप गायब हो गया, प्लीज़ सब कुत्ता भाई सब सूंघ के बता दो. चलो, कुत्ता चला गया, कुछ नहीं मिला बैग में. सूंघाने के बाद अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है. तो दो बार एक्सरेज हो चुकी है ऑलरेडी बैग की. एक बार कुत्ता ने सूंघ चुका है, आई थिंक एक बार कुत्ता और सूंघेगा, उसके बाद हमारा वापस से चेक होगा वगैरह कि बैग वगैरह. एक वापस से आई थिंक अंदर एक मशीन होगा फ्लाइट डिबोर्ड करने से पहले. तो भाई इससे अभी आज तक चेक पॉइंट मैंने कभी नहीं देखा था. पुलिस हर जगह है, ऐसा कुछ दिखता है. ओह लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है कि पुलिस भाई साहब मना नहीं करते. अगर वीडियो वगैरह बना रहे हो तो बना सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलता. खास करके जब आप हिंदुस्तान से हो तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि लोग हिंदुस्तान को काफ़ी पसंद करते हैं. यहाँ पे लोग हिंदी सुनते हैं, बनाओ बनाओ ऐसे बोलते हैं. हाँ, बस थोड़े मतलब देखते हैं
क्यूरियस होकर देखते हैं कि क्या कर रहा है, लेकिन कभी उन्होंने बनाने से मना नहीं किया वीडियो मुझे। लाइन में हूँ, मुझे लगा वही लाइन है भाई। उधर ऑरेंज माइल मेंबर्स थे तो हम लोग भी ऑरेंज माइल्स में ही हैं। ये बैग जाएगा चेक इन में, अब इसका इंतजाम करना पड़ेगा। ब्रिटेन वी नीड टू फाइंड अ बिग बैग फॉर दिस एंड माई जैकेट सो वी कैन ऑल्सो चेक इन दैट। तो भाई ये बैग पैक करवा रहा हूँ, इसको भी जैकेट को साथ साथ पैक करवा देता हूँ तो ताकि चेक इन दे दूँ और इतना लेके घूमना ना पड़े। वन मिनट आई एम कमिंग टू, इसको चेक इन में डाल दूँगा, आराम से पैक हो जाएगा। हाँ इसको इसी ऊपर कर दो, कर दो मोए क्या की जाए पढ़ो भाई। क्या खतरनाक चेक 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 इन था। तो बेसिकली समझाता हूँ पूरी तरह से। तो बेसिकली पहले बैग लेके गया, सारा जूता वगैरह खोल के मैं जैकेट वगैरह सब कुछ खोलना पड़ा। ये लास्ट चेक पॉइंट है, अब मेरे सामने बस खड़ी हुई, यहाँ से मैं जाकर फ्लाइट लूँगा। भाई पहली बात तो सारा बैग चेक करके खोला, ये क्या है, कैमरा है। अच्छा मैं जो मेरा टॉयलेट वाला सामान, जो टॉयलेटरी सामान था उसको देखा, खोल के देखा। उसमें एक छोटा सा कैंची था और एक मैंने क्लोजअप लिया था, क्लोजअप जो इंडिया का मिलता है मैंने वहाँ लिया था, सूडान में लिया था, बड़ा पैकेट था यार, ले लिया। मेरा टूथपेस्ट ले लिया, बोलता टूथपेस्ट अलाउड नहीं है, कैची अलाउड नहीं है, वो ले लिया गया। और ये दो चीज़ लिया गया और थैंक गॉड मैंने अपना बड़ा वाला बैग साथ में लेके नहीं आया, उसको चेक इन कर दिया। वरना वो एक एक चीज़ खोल के देखते, मेरे कपड़े को खोल के देखते, मेरे जीन्स के पैकेट में चेक करते कि क्या है नहीं है, पूरा मेरा कपड़ा बिखर जाता और मुझे वापस से कपड़ा समेटना पड़ता। अगर आप आ रहे हो काबुल इंटरनेशनल वगैरह या तो मजार शरीफ, भाई जितना हो सके सब कुछ चेक इन मार दो, सब कुछ चेक इन मार दो। हाँ सिर्फ जो कि टूटने वाला सामान जैसे कि कैमरा हो गया, फ़ोन हो गया, सिर्फ उसे रखो पास में, बाकी सब कुछ चेक इन मार दो, फ़ायदे में रहोगे। वैसे चलो ठीक है, सब कुछ आराम से हो गया। हालांकि अभी बज रहे हैं 4:40, 4:45 की फ़्लाइट खुलने वाली है, अभी कबूत होगा, सिक्योरिटी वगैरह हो रहा है, तो मेरे हिसाब से रोज़ फ़्लाइट लेट ही खुलती है। उसका जो रीज़न ये है कि भाई सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे सामने की US की मिलिट्री जा रही है, एकदम फ्लाइटिंग मिलिट्री, सॉरी फ्लाइंग क्या कहते हैं ऐसे यार, जो लड़ाकू विमान जा रही है मेरे सामने देखा मैंने। तो भाई आप काफ़ी इंटेंस सिक्योरिटी देखी मैंने, इससे ज़्यादा इंटेंस सिक्योरिटी मैंने किसी भी एयरपोर्ट में आज तक नहीं देखी थी। मेरे सामने दो पुलिस भाई साहब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समझ, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है, वो जो चेक कर रहा था मेरा भाई बंदा, वो पूछा इसमें क्या है, क्योंकि हिंदी बोल रहा था तो मैं भी इससे हिंदी बात कर रहा हूँ। यहाँ की ना अफगानिस्तान में अपना हिंदी बोल लो, अंग्रेजी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे लोगों को समझ में आती है। पर हम तो रीज़न है कि बॉलीवुड, सेकंड रीज़न है कि जब सिविल वॉर यहाँ पे चल रहा था तो सारे लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, इसलिए वहाँ से लोगों ने उर्दू जबान सीखी, उर्दू भाषा सीखी, जबान भाषा सेम होती है ना। तो बाकी सब कुछ हो गया। आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब मैं फ्लाई करूँगा मैं पक्का याद रखूँगा कि मैं सब कुछ चेक इन मार दूँ, सब कुछ चेक इन मार दो। 30 किलो चेक इन अलाउ करते हैं, मेरा बैग 10-12 किलो का था, थैंक गॉड जैकेट वगैरह सब कुछ चेक इन कर दिया। चलो सब कुछ सही रहा अभी फिलहाल, और हम लोग चलते हैं अब बोर्ड करने के लिए। ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो, मेरा चालू है ना मेरा, और ये कुछ मेरे कुछ उस तरफ चेक इन वगैरह चल रहा है, ख़तरनाक चेक इन था। यहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह का है, ये पता नहीं आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह हुआ करता था लेकिन फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। तो पूरा ऐसा एरिया, कुछ खाते पीते हैं निकलने के लिए। तो भाई 5:16 हो रहा है और हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले निकल चुकी है, नहीं 40 मिनट अब तक लेट है। तो बेसिकली फ़्लाइट खुलने का टाइम था 4:45, भाई 5:16 हो रहा है तो फ्लाइट भाई ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट, आई थिंक बोर्डिंग ही हो रही है भाई। तो मेरे हिसाब से कम से कम 1.5 घंटे डिलेट तो होगा ये फ़्लाइट, और देखता हूँ 1.5 घंटे फ़्लाइट। लेकिन अगर आप कभी काम एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा आप ध्यान रखना कि फ़्लाइट वगैरह जनरली डिले रहती है, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना। इसे यहाँ ये एरिया में बैठे हुए हैं, नो स्मोकिंग जोन लगा हुआ है, नो स्मोकिंग, बट मैंने कुछ लोगों को देखा स्मोक कर रहे थे, यहाँ पे नॉर्मल है। मेरे सामने बड़ा सा उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, फिर भी तो भाई ये नज़ारा है यहाँ से मजार शरीफ एयरपोर्ट का, क्या शानदार दिख रहा है भाई। इस तरह ब्यूटीफुल माउंटेन एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा था। फ्रेंड हैव यू सीन दिस ब्यूटीफुल माउंटेंस एयरपोर्ट लाइक दिस? Actually reminds me, there's one airport like this, I can't remember which one. I can remember Zanzibar like this. Yeah, Zanzibar with mountains, yeah, obviously. Yeah.
एयरपोर्ट का नाम है मौलाना, पता नहीं मौलाना जलालुद्दीन। ओ, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ जी। कहाँ से हो आप? अफगानिस्तान से हो। बट हिंदी आती समझ में? हाँ, पूरा। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्ती। ओके, आप हिंदी कहाँ से सीखा आपने? फिल्मों से। फिल्मों से? हाँ। भाई फिल्मों से कैसे हिंदी सीख ली? कई बार इंडिया गई हूं। आप कई बार कहाँ पे गए? इंडिया में कहाँ गए हो? दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली पसंद आया? हाँ, काफी क्राउडी है, मुझे पसंद नहीं है। क्राउडी है तो मुझे पसंद है। पसंद है? यार लोग बहुत रिस्पेक्टफुल हैं इन्हें। और इंडिया का खाना कैसा लगता है? और ये मिर्ची वाला है। मिर्ची वाला? गोलगप्पे पसंद है? चिकन तंदूरी का बहुत पसंद। अच्छा, चिकन तंदूरी का भी पसंद है? हाँ, बहुत। आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हो। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे कहाँ के हो? घूमने के लिए आया हूँ मैं। तो भाई ये हमारी प्लेन है काम एयर, इस काम एयर से फ्लाई कर रहे हैं भाई। वो भाई साहब, और आपको अगर वो दिख रहा हो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये कुछ माउंटेन्स हैं, पूरा एकदम माउंटेन एरिया है। और यहाँ पे जो ये कैमरा को गार्ड करता है, जो मेरे सामने दिख रहा है, और ब्रेन साहब यहाँ पर हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही दिख रहा है भाई? लोग मुझे देख रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता यार अफगानिस्तान में। हालांकि काफ़ी आवाज़ आ रही है, आपसे बाद में बात करता हूँ। ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, प्लेन खुलने का समय 4:45 था, तो अभी तक प्लेन 1:45 लेट चल रही है, तो 1:45 लेट भी पहुँचेगी। तो दिस प्लेन वॉज ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट था भाई। आई थिंक प्लेन खुलने का समय आ गया है, ये टेक ऑफ पे आ गई है। 40 मिनट के फ्लाइट में मैंने खाना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन खाना भी मिल चुका है। खाना में जो मिला है ये है, वाटर है, और कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है। आई एम श्योर कि हम लोग कोई तालिबान एरिया क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आई होप तालिबान ऊपर भी चेक पॉइंट ने लगा रखा हो। चलो खाना खाते हैं। लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि 40 मिनट की फ़्लाइट थी और सस्ती एयरलाइन थी, सस्ती फ्लाइट है, तो मुझे लगा था कि खाना वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। तो भाई साहब काबुल में लैंडिंग हो चुकी है, काबुल में जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जेट लग गई, इट्स नाइस। और भाई काफ़ी लंबी भीड़ है यहाँ पे। वैसे ही बोल रहे थे, काफ़ी फ्लाइट शानदार रही, नॉर्मल सी रही। मुझे याद है कुछ महीनों पहले मैंने बदर एयरलाइन से ट्रैवल किया था, जब मैं सूडान में था। कुछ वाला पार्ट वैसा था, लेकिन मैं ऐसे अच्छी रेटिंग दूंगा काफ़ी सारे एयरलाइन का एक्सपीरियंस होने के बाद। अच्छा लगा मुझे भाई, मुझे लगा था यहाँ पे कोई जेट ब्रिज है, बट कोई जेट ब्रिज नहीं था, क्योंकि यह देखो जेट ब्रिज तो है लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। चलो मैं चलता हूँ, अब बस है मेरे सामने खड़ी हुई। तो भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बैग लेने के लिए, मेरा बैग अभी तक नहीं आया। ब्रिटेन भाई साहब का तो बैग आ गया है, ये लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन जाती है। मेरा बैग तो अभी तक आ नहीं रहा, देखता हूँ कब तक आता है। तो भाई बैग का वेट करने के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वेलकम टू काबुल, आपका काबुल में स्वागत करता हूँ। चलो अब चलता हूँ फटाफट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।